मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जर्मनी में मध्य प्रदेश में निवेश संभावनाओं पर आयोजित हुए इंटरेक्टिव सेशन का शुभारंभ किया। इसमें मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के अपार अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल और निवेशकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को जर्मनी दौरे पर बवेरिया राज्य के चांसलरी प्रमुख और संघीय एवं यूरोपीय मामलों के साथ मीडिया विभाग के मंत्री डॉक्टर फ्लोरियन हेरमेन से मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्य स्तर पर सहयोग के विभिन्न अवसरों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने तकनीकी नवाचार, सुपर कंप्यूटर, ऑटोमेटिक सेक्टर, एरोनॉटिक्स और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संभावित सहयोग के पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का म्यूनिख जर्मनी में भारतीय काउंसिल जनरल श्री शत्रु सिन्हा और इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राणा हरगोविंद सिंह ने आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जर्मनी के म्यूनिख में स्थित राज्य चांसलरी में बवेरियन राज्य सरकार के राजनीतिक नेतृत्व से संवाद हुआ है। जर्मनी और मध्य प्रदेश रोजगार के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। जर्मनी में अनेक अवसर हैं, लेकिन भाषा की एक बड़ी चुनौती है। भाषा की चुनौती को दूर करने के लिए हम मध्य प्रदेश में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलने की योजना बना रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी और भाषा की बाधाएं दूर होगी। प्रदेश में इस प्रकार के लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट खोलेंगे, जहाँ ये भाषाएं सिखाई जा सके। जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अवसर उपलब्ध। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश की कोल आधारित विद्युत क्षमता की आवश्यकता के आधार पर भारत सरकार की स्टैंडिंग लिंकेज समिति लॉन्ग टर्म ने प्रदेश के लिए 4100 मेगावाट के नए थर्मल पावर प्लांट हेतु कोयले के आवंटन को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री जी ने केंद्र द्वारा किए गए कोल आवंटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर कहा कि नए पावर प्लांट की स्थापना से प्रदेश में 25,000 करोड़ का सीधा निवेश आएगा और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।